वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लटेरी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जनपद सभागृह में आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत लटेरी के जनपद सभागृह में श्री प्रमोद कुमार राय, जिला प्रबंधक रोजगार एवं प्लेसमेंट की उपस्थिति में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में देश व प्रदेश की ख्याति प्राप्त 10 कंपनियों ने प्रतिभाग करते हुए अपनी कंपनी के लिए चयन करने का कार्य किया। विकासखंड लटेरी के विभिन्न ग्रामों से आए हुए 144 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराने का कार्य किया। पंजीकृत प्रतिभागियों को रोजगार मेले का उद्देश्य बताया। रोजगार मेले में पंजीकृत 144 युवक युवतियों में से 132 का चयन कर रोजगार एवं स्वरोजगार करने का ऑफर पत्र प्रतिभागियों को दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में अपन ने प्रचार करवाया, अपना आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, नगरीय क्षेत्र में शहरी आजीविका मिशन करता है, लेकिन यहाँ है नहीं चूँकि शहर में, तो ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक अपने यहाँ लटेरी में रहती है। कहीं कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत विदिशा के मार्गदर्शन में एवं जिला परियोजना प्रबंधक परियोजना प्रबंधक महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग जो है रोजगार मेला समस्त विकास खंड में आयोजित कर रहे हैं। ये हमारे ज़िले का चौथा रोजगार मेला है, जिसमें हमारे यहाँ पर लगभग 10 कंपनियाँ यहाँ पर अभी आई हुई हैं, जिसमें से वर्तमान में अभी तक हमारे यहाँ पर करीब 86 बच्चों का पंजीयन हो चुका है और करीब 53 बच्चों का अभी तक जो है चयन हो चुका है विभिन्न कंपनियों में। कंपनियाँ सारे बच्चों को खुले ऑप्शन दे रही हैं, जो उनके नियम हैं, जो उनके शर्तें हैं, उसके अनुसार उनको स्वतंत्र हैं। वो बच्चों को बता रही हैं कि जो उनको चयन करना है वो अपनी शिक्षा अनुसार, उनकी जो कौशल है, उनकी जो योग्यता है, उसके अनुसार वो अपने जो है चयन करें कंपनी में। और 100% गारंटी है कि कंपनी उनको पूरी सुविधा देगी, उनके वेतन भत्ते, उनकी जो है जो HR पॉलिसी में है वो सारी सुविधाएँ देंगी। इसके तहत बच्चे अगर मान लो कि घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था है कि वो अपने यहाँ पर स्वरोजगार के लिए जो है RCT प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लेके वो अपने स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसी के तहत अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो उनके लिए व्यवस्था है बच्चों की।